जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग परेशान ना होइए, जैसे हमें टेट से क्वेश्चन प्राप्त होते हैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे, और हमारे पास जो ये PDF है ये PDF भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बहुत लोग भी वेट कर रहे थे और आप लोगों ने मार्केट में गए, क्वेश्चन भी ढूंढे और आपने बुक भी लिया, कहीं नहीं मिल रहा था, ठीक है। कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल पाएगा, जिस वजह से हमें पता नहीं लग रहा था कि हमें इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। लेकिन हमें जो भी प्राप्त हुआ उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, और जैसा कि मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बता दूँ जिससे ट्रस्टेबल लगे, जैसे कि बहुत लोगों को हो सकता है कि ना लगे, लेकिन मैं पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये पेपर प्राप्त हुआ है, मैं आपको सबसे बताऊँ ये ऑनलाइन पेपर है। मैं ऑनलाइन पेपर देता रहता हूँ हर जगह, कहीं ना कहीं पर मैं इसको क्वेश्चन मतलब देखते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे पास एक साइट आज मिली जो कि CRP पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम की, एक हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था जिसमें ऑनलाइन पेपर दिए जाते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है। तो हमें मैंने हिंदी में किया था, इसकी टाइमिंग 2 घंटे की रहती है, तो रिमेनिंग टाइमिंग यहाँ पर दिए गए 1 घंटा 36 मिनट बचा था, यानी कि 2 घंटे का रहता है। तो यहाँ पर दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देना जाते मतलब देने जाते हैं तो आपका नाम और आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर और किस स्टेट से हैं उसको मांगा जाता है, तभी आप पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पार्ट आपके आने वाले थे, जैसे कि आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और मैथ, हिंदी और ट्रेड्स के क्वेश्चन, तो जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड्स पे क्लिक हुआ, क्योंकि रेड पे यहाँ पर क्लिक हुआ था, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर रेड शो कर देता है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड्स क्वेश्चन देखने को मेरा मतलब था मैं इसको क्वेश्चन दूँ, और यहाँ पर देख लीजिए ट्रेड्स के जो क्वेश्चन होते हैं 51 से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे 50-50 के दो पार्ट में, पार्ट ए में 50, पार्ट बी में 50। पार्ट बी में अगर ट्रेड्स का क्वेश्चन रहता है जो कि 51 से लेकर 100 तक आपके रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 51 से लेकर 100 तक। तो मेरा मकसद यही था कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन में दिखाऊँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है और क्या क्या पूछा जाता है। और अभी हमें आगे प्राप्त होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और भी हम कुछ सोचें आप लोगों के लिए, तो मैं वो भी चीज़ आप लोगों को करता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, आप लोग परेशान ना होइए, बिल्कुल आज भी परेशान नहीं होना है, जब भी मेरे पास प्राप्त होगा जैसे आप लोगों को हम बता देंगे। ये जो PDF है आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर हम ये PDF और इसका जो आंसर है उसको भी आप वहाँ को देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं और पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ बेसिक चीज़ें थी आप लोगों को मैंने बता दिया, उम्मीद है आप लोग समझ भी चुके होंगे, ठीक है। इतनी सारी मैंने आप लोगों को मेहनत की है, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, लोगों में शेयर करना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी जो भी डाउट हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सारे हेल्प का मैं आप लोगों को, कोई भी चीज़ें दिक्कत हो रही तो मैं ज़रूर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है, आप अपना चैनल समझिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों को, ये जो हमारा 50 क्वेश्चन है आप लोगों को हम वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो छोटा सा चीज़ है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैं आज तक कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, मैं कभी बायो लिया ही नहीं हूँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैं उसको आंसर का क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता हूँ, कुछ मैंने गेस कर दिए, कुछ कुछ मैंने उसको ऐसा लगा दिया, तो कोई क्वेश्चन सही चला गया, कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया था। लेकिन हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिखाऊँ, क्या का क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से आए हुए थे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको इसमें दिखाने वाले नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। आपको आना टेलीग्राम चैनल पे, डाउनलोड कर लेना, खुद उसको देख लेना, उसका आपको मैं क्या है उसका आंसर भी आपको दे देंगे, इतना को कहेंगे, और कुछ आपको हम कुछ ज़्यादा कहने वाले नहीं हैं।